मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और नाश्ते में है मेरे पास पोटे और ये रोटी, मेरी फेवरेट है पोटे। कल सनाबाजी मेरे लिए लेकर आई थी, आपको बताना भूल गई थी, ब्लॉग भी नहीं बना थी। ये मेरे फेवरेट है, सनाबाजी मेरे लिए स्पेशल लेकर आई थी, बनाए हैं बहुत मजे के बने हुए। और आज हम लोग जा रहे हैं उम्र पे, मैं जा रही हूँ दिल्ली से नहाने के लिए, नहा कपड़े चेंज करके अभी आप लोग के सामने। और मैं नहा लिए कपड़े मैंने चेंज किए, मैं फिर ये लाइनर लगाया था, हमने एक रेमेडी बनाई थी, बस नहीं बनाए क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे थे उमरा पे जाने, तो बस घर में सब खाना वगैरह सब भर के अपने खाने की तैयारी में लगा हुआ, क्या बनाना है क्या करना है। सो गाइस आप सबके इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, हाँ बोलो जो है साफ करो, तो अभी मैं जाके कह देने की लिफ्ट कशिया साहब मेरे हमराह चलेंगी, मैडम बल्कीस हमारी हानिया मैडम, चलो हानिया कपड़ा ढूंढ करो। तो अभी हमें कपड़ा मिल चुका है, बड़ी मुश्किल से हमने ये कपड़े ढूंढने की कोशिश की है, ये मिल चुका है। अभी हम लोग जाएंगे सीधा लिफ्ट की जाने और चलते करेंगे सफाई। क्लोरेक्स चाहिए होगा, ये दही का ग्लास पर हमने शैम्पू डाला और मैंने इसके अंदर डाला है क्या कहते हैं सो क्लोरेक्स। तीन मैंने पेजेस ली हैं, एक मेरा ये खूबसूरत सा कपड़ा और आज मैं ये क्लीन करके जाऊंगी। आप देखे ना, हमें जल्दी करना होगा, ऐसे भी वो लिफ्ट बंद कर देंगे। ऊपर थ्री का दबाओ, थ्री का दबाओ, नहीं फोर का लंबा है। अच्छा ये फोर का, यहाँ पे फोर का दबा देते हैं। ओके देखते हैं हम कितने सेक्टर में ये कर सकते हैं। ये देखो जीरो पे दबाओ, तो अभी जीरो पे दबाने जा रहे हैं। कागज दो, कागज दो, और ये पूरा क्लीन एंड नीट हो गया है, लेकिन अभी मैं थर्ड फ्लोर पे अपने वापस अपने घर जाना है, तो चले अपने घर चलते हैं वापस। लेकिन लिफ्ट का ना हशा खराब हो चुका है, वो बहुत गंदे मेरे पैर में गंदे लग रहे हैं, वो छुपा देना। इतना मुश्किल है, लगता है उतना है नहीं, बस मैं ये सोच रही कोई आ ना जाए और हमें ये हरकतें करते हुए देख रहा है। मुझे लगता है कोई आ जाएगा, मैं ना भी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, मैं जा रही हूँ मजाक कर रही। इट्स डन, यस इट्स डन, अभी हम लोग चलते हैं वापस, हमारा काम हो चुका है, चलो बस बाय। और घर आने के बाद सांस पड़ गई है गाइस, आराम से कर सकते हैं ना, मुझे इतना पैनिक किया था कोई आ गया और जल्दी कर रहे हो बंद हो जाएगा, मैं लिफ्ट में बहुत डरती हूँ, नहीं मैं डरती नहीं हूँ लेकिन बस थोड़ा सा हो रहा था। तू समझा, तू नहीं समझा। हम सफर पे जाते हैं, हमारा मेन प्रॉब्लम होता है कि हमने चार्ज कैसे करना है मोबाइल को। अभी हमारे घर में जो है ना चार्ज लगाया है मोबाइल, अब पावर बैंक को लगा दिया, और पावर बैंक एक जगह पर रुकी हुई है गाइस। और अभी हम हो चुके हैं रेडी, मैंने अपने मुंह से जो लिपस्टिक लगाई हुई थी, मस्कारा एंड ऑल थिंग सब चीज मैंने रिमूव किया, क्योंकि हमने जाना है अमरा के लिए और अमरा के लिए मैं बिल्कुल क्लीन साफ ऐसा होना चाहिए, कुछ भी फेस नहीं होना चाहिए। तू समझा, तू नहीं समझा। हम सफर पे जाते हैं, हमारा मेन प्रॉब्लम होता है कि हमने चार्ज कैसे करना है मोबाइल को। अभी हमारे घर में जो है ना चार्ज लगाया है मोबाइल, अब पावर बैंक को लगा दिया, और पावर बैंक एक जगह पर रुकी हुई है गाइस। और अभी हम हो चुके हैं रेडी, मैंने अपने मुंह से जो लिपस्टिक लगाई हुई थी, मस्कारा एंड ऑल थिंग सब चीज मैंने रिमूव किया, क्योंकि हमने जाना है अमरा के लिए और अमरा के लिए मैं बिल्कुल क्लीन साफ ऐसा होना चाहिए, कुछ भी फेस नहीं होना चाहिए। से सबसे उस टाइम हम लोग तैयार हुए, लेकिन हमारा जो है वो थोड़ा टाइम हम रुक गए थे, अब हम लोग फिर से तैयार हुए और अभी हम लोग जाएंगे। जूते में ये वाले पहन के जा रही हूँ, असल में ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मेरे पाँव, असल में मेरे पाँव में जख्म हो गया जिसकी वजह से मैं अपने चप्पल वेयर नहीं कर पा रही, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली पहनूंगी, ये बहुत कम्फर्टेबल है और बहुत ज्यादा सुकून की है, तो मैं ये पहन के जाऊंगी। क्यों ग्रेगोरा, ग्रेगोरा शर्मा, ग्रेगोरा शर्मा आती उधर देखती है। तीन मरतबा कैंसिल स्टार्ट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं, सामान उठा लिए और अभी हम लोग आ चुके हैं मस्जिद के साथ, यहाँ पर हम जो है अमरा से नियत करेंगे, नियत करने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा मौका, तो बस जल्दी से चलते हैं यहाँ से अंदर और नियत करते हैं, और ऑल्सो
हमने जो है दो रकात नमाज नफिल पढ़नी है और अभी जो है हम लोग अंदर आ चुके हैं। सो गाइस सलामबाजी को अल्लाह की मलाकियां पे तंग करते हुए भाई, जब लास्ट टाइम ऐसे आए थे ना, ऐसा नहीं था, डिफरेंट था ना। अच्छा ये देखिए अभी कबूतर इतने क्यूट लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मेरे पाँव पे कांच लग गया, पता नहीं मेरे पाँव को क्या मसला, कुछ ना कुछ लगता ही रहता। सब अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे, एंजॉय कर रहे हैं और एक मुझे देखें, और ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से मस्जिद, और ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी प्यारी लग रही है जगह। और ना यहाँ पर ना बिल्ली ने ना साथ वाले भाई को इतना तंग किया हुआ, इसको जीने नहीं दे रही, तो ये ना इसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही, लेकिन बिल्ली कह रही है मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। बिल्ली अपनी पूरी मस्ती में बैठी हुई है, किसी के हाथ में नहीं रही। और आप लोग यहाँ से देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद लग रही है। मस्जिद तो यहाँ पे सभी खूबसूरत है, मतलब मैं समझ रही हूँ बहुत प्यारी लग रही है, सब प्यारी। तमन्ना ने बोला इस लिजर्ड को मार देते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं मार देती, वो बहुत छोटी है, वो मुझे तो इसको देख के नाचने का मन दिल होता है कि मैं बच्चों को ना मारूं। कोई बात मुझे जहाँ भी जाती हूँ मुझे यहाँ पर ऐसा ना, मुझे बोले ये बहुत क्यूट है, और ऐसे भी ये बहुत क्यूट है। मैं बस से जब सब घर ले जाने के लिए इसको देख लेती हूँ। अल्लाह ये इतनी क्यूट क्यों है सलमा बाजी, इसको सलमा बाजी अल्लाह। और सलमा बाजी यहाँ से चांद देखे, एक मरतबा देखे, खूबसूरत लग रहा है ना बहुत ज्यादा माशाल्लाह। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी वैन के जाने, मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से कितने दिन मर जाऊंगी। लगाओ जंप लगाओ आराम से। सो गाइस 3 घंटे की नींद के बाद हम लोग उठे हैं फिर से, फजर का टाइम है और हम लोग और हम आए हैं जामिया। गाइस बहुत मुश्किल नाम है, इतनी क्यूट क्यों है सलमा बाजी, इसको सलमा बाजी अल्लाह। और सलमा जी यहाँ से चांद देखे, एक मरतबा देखे, खूबसूरत लग रहा है ना बहुत ज्यादा माशाल्लाह। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी वैन के जाने, मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से कितने दिन मर जाऊंगी। लगाओ जंप लगाओ आराम से। सो गाइस 3 घंटे की नींद के बाद हम लोग उठे हैं फिर से, फजर का टाइम है और हम आए हैं जामिया। गाइस बहुत मुश्किल नाम है मस्जिद का, यहाँ पर कहीं पर भी इंग्लिश में नहीं लिखा। खैर हम लोग इस मस्जिद में जैसे नमाज अदा करेंगे, नमाज अदा करने के बाद फिर हम लोग अल का हमारा सफर जो कंटिन्यू करेंगे, तो बस चलते हैं। और अभी हम लोग कौन सी जगह पर, हमें सास्को में, और ये इतनी ठंडी जगह है, वैसे जैसे अभी हम लोग पंजाब जाते कराची से और रास्ते में हम लोग स्टे करते, सेम ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब ठंड फील होती है ना, इधर भी सेम वैसा फील हो रहा है कि हम लोग मतलब जैसे लग रहा है कि हम लोग अभी पंजाब के किसी स्टॉप पर रुके हैं और कोई दिसंबर का महीना है ऐसे जैसे। बाय द वे ये भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और अभी हम लोगों ने नमाज पढ़ ली है, बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। अस्तग़फ़िरुल्लाह आज हम जाएंगे मक्का। गाइस नींद से दिमाग मेरा हिल गया। अच्छा तो आप सब लोग कमेंट्स कर रहे थे कि पाकिस्तान कब जाना है, पाकिस्तान कब जाना, तो पाकिस्तान मैंने जाने की जो है टिकट्स जो है मेरी मतलब पहले से ही हो चुकी है, वो है 11 नवंबर की। और अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे उसको पीछे करवाना होगा, उसको मैंने कराने के लिए बोला जब मैंने 21 तारीख का बोला मतलब मैंने ना उसको एक वीक पहले बोला था तकरीबन, मतलब 2-3 दिन पहले बोला, तो उसने 21 तारीख को मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि उसके जो है 20,000 लगेंगे, और उन्होंने बोला कि वो लोग नेक्स्ट डेट बताएंगे जिसमें कम पैसे लगेंगे। तो लेट्स सी कि वो नेक्स्ट डेट कौन सी आती है, वो मैं इंशाल्लाह जो है आप लोगों से शेयर कर दूंगी, क्योंकि 20,000 बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहले मैंने 70,000 दिए हुए हैं इसके, मतलब 90K की फिर मुझे एक तरफ की टिकट पड़ जाएगी। लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था 8,000, अगर 8,000 के अराउंड हो या 10,000 के अराउंड तो ठीक है, लेकिन थोड़ी जल्दी नहीं करते फिर थोड़ा रुक जाऊंगी, लेकिन 20,000 लोग मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी आप सब लोग अपने कमर से बताइएगा और मिलते हैं कल एक प्यारे ब्लॉग के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अभी नींद से उठी हूँ जब मैंने क्या बोल रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।